आपने देखा होगा केंदुआ जब भी शिकार करता है तो ये फौरन ही अपने शिकार को लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन ये ऐसा करता क्यों है? देखिए तेंदुआ ज्यादातर अकेले शिकार करता है। बहुत कम ऐसा चांस होता है जब ये झुंड में क्या दो तीन मिलकर शिकार करते हैं। पेड़ पे शिकार लेकर चढ़ना ये इनकी एक मजबूरी है, क्योंकि जमीन पर कुछ शिकारी इनके शिकार को छीन लेते हैं, और जो छीनते हैं वो है वाइल्ड डॉग और हायना। शेर की बात हम लास्ट में करेंगे। हायना जब भी तेंदुए को शिकार के साथ देखता है तो ये फौरन ही उससे शिकार छीनने की कोशिश करता है। अगर हायना का पूरा झुंड है तो तेंदुए को शिकार छोड़ना पड़ता है। अगर तेंदुआ अपना शिकार नहीं छोड़ता है तो हायना शिकार के साथ तेंदुए को भी जान से मार सकते हैं। जंगली कुत्ते हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, और जैसे ही तेंदुए को शिकार के साथ देखते हैं दोनों को ही जान से मारने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं शेर की। शेर का पहला शिकार है वाइल्ड बीस्ट और दूसरा शिकार है तेंदुआ। शेर तेंदुए को देखते ही उसे जान से मार देता है, भले वो शिकार के साथ हो या खुद अकेले हो। इन्हीं सब रीजंस की वजह से तेंदुआ ज्यादातर अपना शिकार पेड़ पे लेके चढ़ता है।